क्या है सुबह सुबह पारा गरम है? हाँ? गुप्ता जी से सूजी लाए हैं। अगर सूजी है क्या ही नाम है? अजी सूजी है। हाँ पहले बहुत वायरल हुआ था ना। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तभी हो रहा है, इलायची लाए हो? तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मैंने बनाया है पास्ता और यहाँ बन रही है चाय और यहाँ पर मैंने कट किया है जो है ड्राई फ्रूट्स। तो मुझे बनानी है गुजिया, लेकिन जो है अभी नहीं, पहले चाय वगैरह पियेंगे और सारा काम करेंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे। सारा काम ख़त्म करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि फिर इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जितना इसको बनाओ उतना ज़्यादा निकलता रहता है और मैं अकेली हूँ तो देखते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा बनाना है, थोड़ा सा आज बनाऊँगी, थोड़ा सा अगर मॉर्निंग में टाइम से बन गया तो दोनों टाइम बनाऊँगी, थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा नानी के लिए, और अगर नहीं बन पाएगा तो फिर कभी बनाऊँगी। हाँ और इनको देख लीजिए, चाय पी लो पहले, तभी चाय पी लो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से चाय वगैरह पीने के बाद। और प्लीज ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहिएगा और ब्लॉग आपको पक्का पसंद आने वाला है। चाय ले जाओ चाचा। निकल लो। भाई होली है में। हाँ पोतो पोतो जल्दी करो, लेकिन दिखाने एक लोग लेटे हुए हैं। भैया को मत दिखाना, भैया को मत दिखाना भाई। तो यहाँ पर मेरी एक होली हो गई है, बाल वाली, अभी फेस वाली बची है, हो गया। पंखा चलाओ, फट जाओ। होली है पंखा। हम मायके जा रहे हैं तो पता नहीं क्या लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं मायके जाते हैं तो कपड़ा लत्ता लेकर जाते हैं, है ना, कपड़ा वपड़ा और कुछ खाने पीने का सामान। और हम मायके जा रहे हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं देखो, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, और जो कि इनको आज दूसरा दिन है उसको सेट करते हुए, है ना। हाँ दो दिन हो गया उसको सेट करते हुए, टाइम नहीं दिए तो इसलिए दो दिन लग गया। हाँ मतलब टाइम, हॉस्पिटल भी जाना रहता है, फिर उसको भी आके करना रहता है, बीच बीच में और भी सामान लाने रहते हैं, तो दो दिन लग गए कम से कम और उसको चेक करने में। तो चलिए सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, है ना, है ना। जा रहे हैं ना आने। तो ये देखिए पति देव इसको सेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा इनको सेट करने में। मैं मार्केट से तो ख़रीद कर आ गया था, लेकिन इसमें तार वगैरह बहुत सारे सेट करने रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही हूँ और जब भी मैं लूँगी हर एक वीडियो में अपलोड करती रहूँगी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझसे शादी कर कर ये बेचारे फंस गए, क्योंकि क्योंकि ये मुझे परेशान नहीं देख सकती और मैं मम्मी को परेशान नहीं देख सकती, तो इन सब कारणों से पतिदेव परेशान हो जाते हैं मेरे चक्कर में और मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, मैं भी कोशिश करूँगी जो है कि मैं इनको परेशान ना करूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए मायके जाने की फिर से तैयारी हो रही है और हो सकता हो इस बार मैं रुकूं, अभी से मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अगली बार मैं गई थी तो मैं यही सोच कर गई थी कि मैं दो तीन महीने तो 100% रुकूंगी, लेकिन मैं वहाँ तीन दिन भी नहीं रुक पाई। तो इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, अगर मैं रुक पाऊँगी तो रुकूँगी, नहीं तो मैं फिर से आ जाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पर ये सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनसे बोलना बहुत ख़तरनाक है, ये कोई काम करते हैं ना इस तरीके से तो इनको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये तार वगैरह का मामला है ना और इधर उधर जो है हो जाता है, तो
पता नहीं क्या क्या मुझे समझा रहे थे कि तार इधर से उधर मत करना, ये वो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं लास्ट में ना इसकी फ़ोटो जो है खींच लूँगी फ़ोन में, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कौन सी फ़ोटो कहाँ पर मुझे सेट करनी है और कौन सा प्लग कहाँ पर मुझे लगाना है। और ये देखिए ये सेट हो चुका है अच्छे से, तो इसको पतिदेव फिर से पैक कर रहे हैं क्योंकि ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर, तो देखते हैं। और इसको अच्छे से सेट करेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि सारा सामान एक बार में चला जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बाइक से चक्कर लगाने में, क्योंकि उधर ना सड़क वगैरह बन रही है तो थोड़ा सा भारी सामान लेकर ना जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, और यहाँ पर हो गया सारा सामान सेट। और पतिदेव के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूँ मैं खुद नहीं मुझे समझ में आ रहा है। मैं सोचती हूँ मैं वहाँ ना गई होती तो ही ज़्यादा सही था। जब अपने आँख से कुछ देख लो ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, मन करता है कितनी जल्दी इस काम को पूरा करवा दें। ये देखिए ये दूसरे दिन की क्लिप है, पतिदेव अभी भी इसको जोड़ कर सेट कर रहे हैं पूरा अच्छे से, इसमें तार वगैरह जो है ना उसमें टेप वगैरह लगा रहे हैं अच्छे से। तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली है, और यहाँ पर मैं उनसे बातें कर रही थी तो वो बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो बिजी हैं उसमें। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और आज है होली के दूसरा दिन, होली का दूसरा दिन जो होता है थोड़ा सा थकान भरा होता है, और आज वही है। बहुत ज़्यादा जो है थकान लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारी होली खेली थी, बहुत सारे खाने बनाए थे जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अभी हो रहा है 8 बज रहे हैं और अब मैं उठ रही हूँ। मेरा बच्चा और पतिदेव पहले उठ चुके हैं, वो लोग छत पर गए हैं, तो चलिए फिर मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी शुरू करते हैं। और ब्लॉग शुरू हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से चाय वगैरह, वन सेकेंड, चाय वाय बनाने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा सर पकड़ा हुआ है, अभी चाय पियेंगे ना तो सही हो जाएगा, क्योंकि चाय ना पियो तो सर बहुत भारी भारी सा लगता है, आदत पड़ गई है ना इस वजह से लगता है, नहीं तो चाय ना लगे। तो चलिए फटाफट चाय बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और कलर वगैरह छूट चुका है, मैंने सोचा था नहीं छूटेगा लेकिन छूट गया है, यहाँ पर हल्का सा है, ये भी छूट जाएगा। तो चलिए चाय बना लो, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। इका खाबो चाय बोल बोल, चाय बोल के खा लियो। ये देखिए मॉर्निंग वाला सारा काम ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर थोड़े कपड़े बचे थे तो मैंने सोचा चलो इनको भी धुल लेते हैं। तो इस ब्लॉग का भी एंड करते हूँ फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।